हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस का 15/10/2017 का एग्ज़ाम जो हुआ था, और ये सॉल्व पेपर 2 हैं। हम 11 पेपर करवाएंगे, तो आप एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है कि आगे और वीडियो लाऊं। तो और सेट हम 11 सेट तक प्रीवियस ईयर पूरा जो सेट होगा हम करवा देंगे, ठीक है? आप टेंशन ना लीजिए, रोज़ हम एक सेट ज़रूर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको वीडियो को बस एक लाइक ज़रूर करना और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और कमेंट में कुछ भी क्वेरी हो तो लिखिए ज़रूर, ठीक है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है आपका, ये देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है? और इसमें से डी ऑप्शन होगा, देवनागरी नहीं है। और देवनागरी में बता दें कि हिंदी ही नहीं लिखी जाती है, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये हिंदी के अलावा 3 भाषाएं भी और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है बाईं से दाहिने की ओर लिखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन घुमाकर दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा है जो आपका 343 अनुच्छेद में, ठीक है, इसे घोषित किया गया है। हिंदी शब्द कोश में 6 का क्रम किस वर्ण में के पहले आता है? तो 3 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, त्र के, ठीक है। 4 देखते हैं, तथापि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तथा प्लस अपी होगा इसका, तो ये आपका सी होगा, ठीक है। 5 देखते हैं, उत्ज्वल, उत प्लस ज्वल का संधि से बना शब्द क्या होता है? तो उज्ज्वल होता है, तो उज्ज्वल ये वाला आपका सही होगा, ठीक है। तो 5 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। 6 देखते हैं, नवग्रह शब्द का समास भेद बताओ। तो नवग्रह जो है आपका, नवग्रहों का समाहार शब्द में आपका ये द्विगु समास है, ठीक है। नवग्रह का मतलब नौ ग्रहों का समाहार, ठीक है। 7 का जो आपका, निम्नलिखित में मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं? तो 7 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, छुटकारा, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवियित्री होता है आपका। तो 8 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, इसमें त्रि इस तरह का होता है, दीर्घिकार, याद रखिएगा। गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं? तो 9 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, आपादान कारक हैं, ठीक है। आपादान से जुदाई, गंगा हिमालय से जुदा हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सर्वनामिक 10 क्वेश्चन नंबर 10, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं? तो 10 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, सर्वनाम से, ठीक है। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है? उसने, तो ये आपका 11 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है उसने, ठीक है। 12 देखते हैं, समय सिंधु चंचल हैं भारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 12 का जो आंसर होगा आपका इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। कनक कनक ते सौ गुनी मदकता अधिकार, ठीक है। वही वही खाए बैरात नरे ही पिए बैराय, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 13 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, यमक, ठीक है। यहाँ 13 क्वेश्चन आपका, देखिए कि 13 क्वेश्चन आपको हिंदी से आया हुआ, तो हम बता दें कि 10 से कम 10 और अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन जो होगा हिंदी से आएगा, इसी के बीच में रहेगा हिंदी का आपका क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। दिस इज ए कार बाउट स्टर्ड, ठीक है। तो 14 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, क्योंकि ये वही कार है जिसने मैंने कल खरीदा है, तो डी होगा, दिस इज द कार आई बाउट स्टर्ड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरना है। सुमन इज सिटिंग बिसाइड या बिसाइड्स हर होगा, तो 15 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, बिसाइड होगा, ठीक है, के बगल में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट पार्टिसिपल, राइट पार्टिसिपल भरना है। द ट्रेन इज पुल्ड आउट या पुल आउट, ठीक है। और द प्लेटफॉर्म नाउ, तो 16 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, पुलिंग होगा, ठीक है। इसमें द ट्रेन इज पुलिंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन्स, राइट होमोफोन्स देना है इसमें। द किंग डाइड, द किंग डाइड आपका इसका इसमें देखिए हियरलेस होगा कि हियरलेस होगा,
तो जो 17 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, हेयरलेस होगा, ठीक है। राइट द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, प्लुरल फॉर्म देना है गिवन जो ये वर्ड दिया गया है नाइफ का, तो नाइफ का नाइफ्स होता है, तो ये आपका बी होगा। 18 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। 19 देखते हैं, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, एक्सप्लोजन का एग्जेप्टिक देना है आपका, तो 19 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, एक्सप्लोजिव, ठीक है। चूज द राइट सफिक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड, सफिक्स लगाना है आपका, तो इसमें रिक रेक का जो सफिक्स होगा आपका 20 का जो आंसर होगा सी होगा, रेकेज हो जाएगा, ठीक है। चेंज द फ्लोइंग नाउन्स इंटू वर्ब्स, तो 21 का जो आंसर होगा आपका अरेकेज यहाँ होगा, देखिए यहाँ पर आपको बाद में लगने वाले शब्द हैं, ठीक है, सफिक्स लगाना है तो रेकेज होगा। अरेकेज का अर्थ होता है आपका नाश या ध्वंसावशेष, ठीक है, या नाव का टूटना भी होता है। ये अब ये देख लीजिए, चेंज द फ्लोइंग नाउन्स इनटू वर्ब, इल्यूजन का वर्ब आपको नाउन्स के से वर्ब में, इल्यूजन नाउन्स है और वर्ब में चेंज करना है, तो 21 का जो आंसर होगा आपका इल्यूड हो जाएगा, ठीक है। यूज द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड, साइनोनिम्स चुनना है 22 के लिए, तो ये आपका टॉट का साइनोनिम्स जो होगा आपका ट्रेंड होगा, ठीक है। यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड, एंटोनिम चुनना है, अंडरलाइन ये जो चिन्हित किया गया है, तो हेजी का जो अंडर एंटोनिम्स होगा आपका 23 का, तो आपका ये क्लियर होगा। हेजी का, हेजी मीन्स धुंधला होता है, क्लियर मीन्स साफ होता है, ठीक है। शेर शाह सूरी का, अब इतिहास से क्वेश्चन देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका सासाराम में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। और अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो 26 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से एक समाज सुधारक जो जातीय समानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो 27 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, पेरियार रामास्वामी नायकर, ठीक है। अब भूगोल से क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान और बाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है, तो 28 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, शुष्क मिट्टी। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन से बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से कहलाता है, तो ये फसल चक्रण कहलाएगा, तो 29 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो 30 का जो आंसर है आपका सी होगा, दलहनी का, ठीक है। किस बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ, तो महानदी पर हीराकुंड बांध का, या ये भी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना भी है, ठीक है। 31 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो 32 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, सोन बहुदेशीय परियोजना, ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, तो 33 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म में विशेषाधिकार को सफाया करना, ये सभी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी, तो 34 का जो आंसर होगा आपका 1993 में, ठीक है। बता दें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, और भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद अभी 46 में इसको वर्णित किया गया है, ठीक है। और राजस्थान के नागौर जिले में पहले पंचायती राज का जो लागू किया गया था, और पूर्ण रूप से ये पहला था, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम के अध्यक्ष जो होते हैं महापौर कहलाते हैं। 36 देखते हैं, बिहार राज्य के विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था, तो ये आपका 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, तो इसका 36 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। 37 देखते हैं, अर्थशास्त्र क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य जो होता है इसका 37 का सी होगा, राष्ट्रीय आय का अनुमान का संग्रह। और बता पूछ दे कि CSO का स्थापना कब हुआ था, तो ये 2 मई 1951 को नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था, तो गार्डन सिटी का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे एबनेजर हार्बर्ट है, ठीक है, तो ये आपका ए इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है,
तो आपका भारतीय रेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। FCI की स्थापना कब हुई थी? तो FCI 14 जनवरी 1965 ईस्वी में, ठीक है, तो याद रखेगा 1965 ईस्वी में फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया का स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 41 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, 15 से 60 वर्ष के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 42 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो 43 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और ये 1968 में आई भारत में आई हरित क्रांति के दौरान इसने की इन्होंने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 कार्यकाल था, इसी में मानव पूंजी की महत्ता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो 45 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। 47 देखते हैं कि गरीबों को भोजन और पोषण के संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो 47 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण, एकीकृत बाल विकास, सभी, ठीक है। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? तो 48 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, MGNRIGA, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 49 का जो आंसर होगा आपका ए होगा कि मनरेगा जो है भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है, ये सही है, ठीक है। और इसमें आपका ये दूसरा भी देख लेते हैं कि मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, ये दोनों सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में किन उत्पादनों के को बढ़ाना है? तो 50 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, दलहनी फसल का। आपको इसमें देखिए दलहनी फसल भी है, लेकिन इसमें आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में किन उत्पादनों को बढ़ाना है? तो दलहनी आपको चावल हो जाएगा, ठीक है, गेहूं होगा, दलहनी होगा और मोटे अनाज होगा, फल नहीं होगा, ठीक है। फल इसमें अलग हैं तो फल को हम छांट देंगे। और ये आपका 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू हुआ है, ये भी याद रखिएगा, इसमें फल को अलग कर दिया गया है। और ये अभी वर्तमान में 17 राज्यों में कार्यरत है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान इस किसके साथ घटता है? आइए भौतिकी का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितना पूछा गया है और कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। 51 का जो आंसर होगा आपका डी होगा कि जी जो है जी का मान किसके साथ घटता है, तो ऊंचाई के साथ घटता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो 52 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, कोका कोला पेय में नमक डालने में से गैस का निकलना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर करता है, याद रखिएगा। अब विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा रेखा समय का अक्षांश के समानांतर हो तो क्या होता है? तो 56 का जो आंसर होगा आपका त्वरण शून्य होता है, ठीक है। एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, सोलेनाइड के भीतर चुंबक के क्षेत्र क्या होगा? तो 55 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, उसके सिरों की तरफ घटती हैं। 1 kg के पदार्थ में के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये आपका 56 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, विशिष्ट ऊष्मा धारिता।
यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के लोग हो तो किस बल्ब का प्रतिरोधक अधिक होगा? तो 57 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, 150 वाट का बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, 58 देखते हैं। वस्तु एक सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है तो उस वस्तु के 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो वी बराबर यू प्लस एटी से रखकर हम बनाएंगे फॉर्मूला। यू जहाँ 40 होगा, ए जो त्वरण होगा 4 होगा, टी समय 10 होगा, तो इसको 80 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक श्रृंखला परिपथ में तीन प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम, 220 ओम के हो तो परिपथ में कुल प्रतिरोध हैं तो 59 का जो होगा सीधा जोड़ देंगे परिपथ, तो 140, 250, 220 का जोड़ेंगे तो 610 ओम आएगा। ठीक है, यदि तीन प्रतिरोध जो प्रत्येक 2 ओम के हैं तो परिपथ में 3 ओम के प्रभावी प्रतिरोध पैदा करने के लिए कैसे जोड़े जाना चाहिए? तो ये आपका दो प्रतिरोध समानांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। एक लड़के द्वारा 1 किग्राम में की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 61 का जो होगा वो आपका 1 न्यूटन बल उठाएगा और 1 मीटर तक उठाएगा तो 9.8 होता है 1 न्यूटन बल का मान गुणे 1 मीटर उठाएगा। ठीक है, तो 9.8 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब रसायन विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। आइसोब्यूटेन का IPSC नाम क्या होता है? तो 62 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 2-methyl propane होता है। ठीक है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 63 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, अक्रिय गैस। वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 64 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, वर्षण। ठीक है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो 65 का जो आंसर होगा आपका प्रसवेदन कहलाता है। 66 देखते हैं, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो 66 का जो आंसर होगा आपका डी, नील्स बोर के द्वारा। ठीक है, हाँ, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है आपके लिए ही लाता हूँ। ठीक है, एक ग्रुप के तत्वों को सामान्य गुण है तो ग्रुप के तत्व जो है आपका का डी, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सामान्य गुण है। ठीक है, शुद्ध पानी का pH जो होता है 7 होता है, अगर 7 से नीचे है तो वो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय होगा। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है तो 69 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, शुद्ध धातु की पतली परत पतरी द्वारा या परत द्वारा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? तो 70 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, इथाइल इथेनोएट। जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो ये आपका 71 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, PH3। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आपका इसमें 72 का बी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, तो ये सभी है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, और इसमें मुख्य घटक पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट था और ये 1984 में हुआ था और ये 2 दिसंबर को हुआ था, ये भी डेट भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये हुआ रसायन विज्ञान से कुछ क्वेश्चन। अब बायोलॉजी से देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और कितना आया था। तो वंशानुगत संस्थान स्थानांतरण की इकाई है तो 74 का जो आंसर होगा आपका इसमें आपका जीन होगा। ठीक है, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई जो है जीन है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम बार टीके की खोज की थी। तो 75 का सी होगा, एडवर्ड जेनर ने, जो 17 मई 1949 को इंग्लैंड शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, और ये इंग्लैंड के थे और ये सर्वप्रथम टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर। यहाँ पर इसका आंसर होगा रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो 76 का जो आंसर होगा विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि ये आपका
क्षारीय होता है। याद रखिएगा कि मानव रक्त का रक्त जो होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो क्षारीय होगा। किस रक्त समूह का व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, तो 78 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, ए बी रक्त समूह को। हड्डी एक उदाहरण है, तो 79 का जो आंसर होगा ए कठिन संयोजी ऊतक का, तो हार्ड कंस्ट्रक्टिव टिश्यू का यह उदाहरण है, तो 79 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, संयोजी ऊतक का, ठीक है, जिसको हार्ड टिश्यू भी बोलते हैं, हार्ड कंस्ट्रक्टिव टिश्यू। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन, तो 80 का जो आंसर होगा आपका कंडरा कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, 81 का जो आंसर होगा बी एड्रिनल, तो ये 81 का जो आंसर होगा आपका एड्रिनल होगा, ठीक है। और विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है, तो 82 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, कैंसर, ठीक है। पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो 83 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक। फूल की सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है, तो ये आपका वाम दल पुंज कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा, ठीक है। तो ये पहले 6 का 7 है, तो 6 × 7 = 42, ठीक है। और दूसरे 5 का होगा 5 × 7, 5 × 7 = 35, और घटाएंगे तो 7 आंसर आएगा, तो इसका 7 आंसर होगा, ठीक है। तो छठा परीक्षण 7 हो जाएगा। 86 देखते हैं, अगर पुरानी मशीन 1400 की खरीदी और 1400 की खरीदी थी, ठीक है, और 15% की हानि पर, अर्थात 140 + 70 अब करेंगे तो 7 × 4 = 1 2 210, इसमें घटा देंगे 1400 में, तो हमको 86 का जो आंसर आएगा आपका 1190 आएगा, ठीक है। किसी धनराशि को 10% से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं SI पर, तो दोगुना करने के लिए आपको दस वर्ष लगेगा, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 21 42 63 84 AP का कौन सा पद 420वां होगा, तो 88 का जो होगा अगर 21 प्लस में करेंगे a + n − 1 × d, इसका जो डिफरेंस है 21 है, और 420 करेंगे हॉल करेंगे, तो इसका n का मान इसमें 20 आएगा, ठीक है। तो 20वां पद जो होगा ये आपका 420 होगा। x − 5 = 10 करेंगे, ठीक है, एक बराबर प्लस माइनस करके रखेंगे तो इसका 2 मान आएगा, 1 + 15 आएगा, 1 − 5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 89 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। 90 देखते हैं, 4x²y 6y² + 8x² y² का LCM क्या होगा, तो 90 का जो आंसर होगा आपका 8x² y² इसका आंसर होगा। 91 है कि SCF निकालना है, ये आपका एलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। 2x² − y² + 5x³ − y³ का SCF क्या होगा, तो दोनों में आपका x − y तो कॉमन निकलेगा ही, तो 91 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। समीकरण x² − 6x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग जो होगा आपका -b/a, तो −6/a1 करेंगे तो 6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो d इसका आंसर होगा 92 का। 93 देख लेते, क्या कहते हैं कि a + b + c = 0 हो तो aq + bq + cq निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो ये आपका aq + bq + cq − 3abc करके, अगर a + b + c का मान दिया हुआ है 0, ठीक है, तो aq + bq + cq = जो हो जाएगा 3abc इधर आ जाएगा, तो 3abc इसका आंसर होगा, ठीक है। इस डायरेक्ट फार्मूला पर है,
यहाँ देख लेते हैं कि x बराबर a बटा में a प्लस बी, y बराबर a बटा में a माइनस बी, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर क्या होगा। तो 94 का जो सॉल्व करेंगे ये इजी है आपका, 1 बाई एक्स करके इसका 1 बाई एक्स मान निकाल लेंगे, ठीक है। 1 बाई वाई ए प्लस वाई ए बटा में ए प्लस बी, इसका समीकरण इसमें जो आपका मान रख दीजिएगा 1 बटा में ए प्लस बी, तो सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 94 का जो आंसर होगा आपका 2 आंसर आएगा। तो 94 का, इसमें 94 का जो ये विवादित क्वेश्चन था इसमें कोई भी बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें दो केवल 2 आंसर आएगा, ठीक है। हल कीजिएगा तो इसको छोड़ देते हैं। 95 का जो एक ये विवादित क्वेश्चन था उस टाइम का, ठीक है। एक त्रिकोण की भुजाएं 1 सेंटीमीटर है और x प्लस 1 सेंटीमीटर और x प्लस 2 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं हैं, और x का मान क्या होगा जबकि त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ऐसा है, एक x है, ये मान लीजिए x प्लस 2 है, एक x प्लस 1 है और एक x है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको ए सी स्क्वायर मान लीजिए ए बी सी रख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का लंब का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो एक्स का मान 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि प्लस में ही लिया जाता है, तो इसका 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। त्रिभुज जिसके बिंदु जो है आपका, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, 3 1 इसका दिया हुआ है और 7 4 इसका दिया हुआ है, सी 11 1 इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इसका त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए इससे एक 7, ठीक है, तीनों भुजाओं के जो एक एक बिंदु लेकर उसमें से घटाए रूट अंडर कर देंगे, 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, फिर प्लस 11 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो इसके सॉल्व करेंगे उसी तरह से, तो परिमाण निकल कर आ जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 96 देखते हैं, त्रिभुज जिसके बिंदु, ये तो हो गया 96 का जो आंसर आएगा आपका 18 आएगा। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, ठीक है, तो इसके परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो 97 का जो होगा परिधि का निकालने के लिए आपका रूट ओवर कर देंगे 9:1 करेंगे, तो इसका 3:1 आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात है, ठीक है। तो ऐसा इसका 3:1 इसका आंसर आएगा। चतुर्भुजाकार खेत की भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 98 का जो आंसर होगा आपका 12 मीटर स्क्वायर आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ये 99 का सॉल्व कीजिएगा तो आपका सी आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपका 2 देखने को यहाँ मिला। तो 100 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 2 बटा में साइन ए इसका आंसर आएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैथ थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ये लंबा हो जाता है, ठीक है, बनाने के लिए, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है कि आपके लिए वीडियो और लाऊँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।